वो कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो किसी को भी बताकर नहीं आता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के साथ। एक तरफ संदीप माहेश्वरी के साथ जो उनका विवाद चल रहा है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी, जी हाँ उनकी दूसरी पत्नी ने उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है, उन्हें मारपीट करने का आरोप लगाया है उन्होंने उनके ऊपर, और जिस दौरान उनके कान का पर्दा फट गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विवेक बिंद्रा की जो पहली पत्नी थी गीतिका, जी हाँ उनकी पहली पत्नी गीतिका ने भी उनके ऊपर यही आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि विवेक बिंद्रा उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें उनको उनसे जान से खतरा है, और उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। हालांकि दोनों का जो है वो तलाक भी हो चुका है, लेकिन आज भी जो उनका केस है वो कोर्ट में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, विवेक बिंद्रा और उनकी पहली पत्नी जो गीतिका है, दोनों को एक बच्चा भी है, और उन दोनों का जो केस है आज भी कोर्ट में चल रहा है। दरअसल गीतिका जो है उन्होंने कोर्ट से में अपना जो महीने का भत्ता होता है, जो खर्चा होता है, उसकी मांग करी है। लेकिन उसके बाद तलाक हो जाने के कुछ टाइम बाद जब विवेक बिंद्रा दूसरी शादी करते हैं यानिका नाम की लड़की से, जब वो यानिका नाम की लड़की से शादी करते हैं 6 दिसंबर 2023 को, और उसके कुछ ही दिन बाद वो अपनी दूसरी पत्नी यानिका पर हाथ उठाते हैं। दरअसल विवेक बिंद्रा अपनी माँ के साथ कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और विवाद बातचीत में इतना बढ़ जाता है कि सिचुएशन बाहर निकल जाती है, जिस दौरान यानिका बीच बचाव करने के लिए आती है और गुस्से में आकर विवेक बिंद्रा उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, और हाथ उठा देते हैं जिसमें वो मारपीट करते हैं, उनके बाल नोचते हैं, और जिससे उनके मतलब सर पर काफी ज्यादा चोटें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उनके जो यानिका जो है वो इतनी जोर से उनके थप्पड़ मारते हैं कि उनके कान से एक कान से उनको सुनाई देना बंद कर जाता है। मैं आपको बता दूं, उसके बाद यानिका को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और जब अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया दिया जाता है, हालांकि कल मैं आपको बता दूं यानिका को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, और यानिका के जो भाई हैं और यानिका वो पुलिस स्टेशन में जाकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। सेक्टर 126 नोएडा में FIR दर्ज कराई जाती है जिसमें विवेक बिंद्रा के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति वुमेन्स डे पर जाकर लोगों को मोटिवेट करता है कि वुमेन्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए, वुमेन्स की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति जो अपने घर में जो महिलाएं होती हैं, अपने घर में जो माँ होती हैं, बीबी होती हैं, उनके साथ वो बदतमीजी करते हैं, उन पर वो हाथ उठाते हैं, वो व्यक्ति कैसे दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये FIR कहती है कि उनके ऊपर मारपीट का मुकदमा लगाया, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये बात वाकई में सोचने वाली है कि जो व्यक्ति दूसरों को जाकर मोटिवेट करता है, जो व्यक्ति आज के युवाओं को मोटिवेट करता है, वो जाकर अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। जैसा कि एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो सोसाइटी के बाहर अपनी दूसरी बीवी यानिका को घसीटते हुए, मतलब कोशिश कर रहे हैं घर में अंदर ले जाने की, और वो काफी सड़क पर ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, विवेक बिंद्रा का जो पूरा इस समय जो परिवार का जो मुद्दा चल रहा है, वो बीच सड़क पर आकर खड़ा हो चुका है, और इस वक्त विवेक बिंद्रा पूरी तरह से सुर्खियों में आ रखे हैं।